शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पूरे बिहार के साथ अब राजधानी पटना में भी शीतलहर का असर दिखने लगा है, यानी कि ठंड बढ़ने लगी है। जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक के लिए बंद करने का फैसला किया है और कड़ाके की ठंड शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह निर्देश भी जारी किया है। पहले से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज यानी 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने 23 दिसंबर को पत्र जारी किया था, सभी जिलाधिकारियों से कहा था कि वो अपने जिले में सर्दी के हालात को देखते हुए स्कूल को बंद करने का फैसला ले सकते हैं। अभी तक कई जिलों में स्कूल बंद किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बच्चों के स्कूलों को बंद किया गया है क्योंकि लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवजीत, क्या कुछ जानकारी? लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, बच्चों के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है 31 दिसंबर तक। देखिए, बिहार में सर्दी का जो सितम है वो देखने, ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जो मिल रहा है शीतलहर का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में हालत ये है कि सुबह 8-9 बजे तक भारी कुहासे का असर दिखता है, धूप नहीं आता, लिहाजा जो 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान चला गया है। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जहाँ कहीं जिस शहर में भी 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान जाता है वहाँ पर चूंकि सर्दी ज्यादा हो जाता है तो बच्चे को स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल राजधानी पटना में 8वीं क्लास तक यानी LKG से लेकर 8वीं क्लास तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो। तो तमाम स्कूलों को बंद करने का जो डीएम है वो निर्णय लिया, डीएम निर्णय इसलिए है कि शिक्षा विभाग ने पहले ही ऑर्डर निकाला है कि स्थानीय स्तर पर शीतलहर के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी हैं वो अपना निर्णय लेंगे। नवजीत, फिलहाल मौसम विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है कि ठंड आगे और बढ़ेगी, चूंकि 31 दिसंबर तक बच्चे के जो स्कूल है उनको बंद रखा गया, लेकिन ये डेट आगे भी बढ़ सकती है अगर कड़ाके की ठंड पड़ती है। बिल्कुल, देखिए पिछले 2-3 दिन से ही राजधानी पटना समेत जो कह लीजिए कि उत्तर बिहार है वहाँ पे या फिर दक्षिण बिहार है वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हुआ है। ठंड थोड़े से लेट ही, तो ऐसे में मौसम विभाग ने भी एक अलर्ट जारी किया और कहा कि शीतलहर का जो प्रकोप है वो आगे देखने को मिलेगा। 2 दिन पहले हल्की बूंदाबांदी भी हुई है तो ठंड और बढ़ने के ही आसार हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक किसी तरह के मौसम है जो बिहार में बना रहेगा, पटना में भी बनने के आसार हैं। शुक्रिया नवजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।